एविडेंस लॉ के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 28 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से डील करेंगे। अपने प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने एडमिशन और कन्फेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा, प्रॉपर नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड विथ केस लॉज। हमने कन्फेशन के इन चार सेक्शंस को कवर कर लिया है, सेक्शन 24, 25, 26 एंड 27। आज के इस वीडियो में हम कन्फेशन के सेक्शन 28 से डील करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। राइट, चलिए सेक्शन 28 क्या कहता है। कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज रेलेवेंट। राइट, तो अगर एक्यूज्ड पर्सन, जिन भी ऑफेंसेस के चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं, उनके रेफरेंस में कन्फेशन करता है और वो कन्फेशन फ्री हैं फ्रॉम इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, तो ऐसे कन्फेशन जो कि फ्री हैं फ्रॉम इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, क्या होंगे? रेलेवेंट होंगे। राइट, अब देखो, अगर हम सेक्शन 28 को सेक्शन 24 से कनेक्ट करके देखें तो सेक्शन 24 क्या कहता है। देखो, वैसे हमने डिटेल में सेक्शन 24 को कवर किया है, लेकिन एक बार फिर से अगर हम सेक्शन 24 को देखें तो सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन ने जिन भी ऑफेंसेस के एलिगेशंस उसके ऊपर लगे हैं उनके रेफरेंस में कोई कन्फेशन करता है और वो कन्फेशन किसी इंड्यूसमेंट, किसी थ्रेट, किसी प्रॉमिस के तहत करता है, कॉज बाय पर्सन इन अथॉरिटी। यानी अगर एक्यूज्ड अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के संबंध में कन्फेशन करता है और वो कन्फेशन पर्सन इन अथॉरिटी के दबाव, डर के तहत करता है, तो ऐसे कन्फेशंस क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंट नहीं माने जाएंगे। राइट, और पर्सन इन अथॉरिटी कौन होता है? तो वो पर्सन जिसका एक्यूज्ड के ऊपर कंट्रोल हो, वो पर्सन जो केसेस के एविडेंसेस को मैनिपुलेट कर सकता हो, तो वो पर्सन इन अथॉरिटी कहलाएगा। राइट, तो ये था सेक्शन 24। अब देखो, सेक्शन 28 कहता है कि अगर वही कन्फेशन फ्री हो जाते हैं फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, तो ऐसे कन्फेशंस रेलेवेंट माने जाएंगे। राइट, दिस इज ऑल व्हाट सेक्शन 28 स्टेट्स। राइट, आप देखो, अगर आप अपने बेरेट को देखोगे तो कुछ बातें नोट में कही गई हैं, जैसे अ जुडिशियल कन्फेशन इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। यानी सीआरपीसी का जो सेक्शन 164 है वो उन सभी ग्राउंड्स को मेंशन करता है जिन्हें फॉलो करते हुए
मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो एक्यूज्ड के कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा, सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, पहला पॉइंट। दूसरा, मजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन मस्ट एक्सप्लेन द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन एंड इफ ही डज सो कन्फेशन मे बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले एक्यूज्ड पर्सन को ये बताएगा कि एक्यूज्ड पर्सन किसी भी तरह से बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है कन्फेशन करने के लिए, और अगर वो कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे माना जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बिसाइड दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के अलावा मजिस्ट्रेट मस्ट गिव सम टाइम टू द एक्यूज्ड एंड कीप हिम आउट ऑफ पुलिस कस्टडी बिफोर रिकॉर्डिंग हिज कन्फेशन। तो इन दोनों पॉइंट्स के अलावा मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड पर्सन को कुछ समय देगा और उस समय में एक्यूज्ड पर्सन पूरी तरह से पुलिस कस्टडी यानी पुलिस ऑफिसर के रीच से बाहर होगा। नाउ अब कितना समय उसे दिया जाएगा ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, सीआरपीसी में इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली उस एक्यूज्ड पर्सन को उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले पुलिस से दूर रखा जाता है लगभग 24 घंटे तक, और ये जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। नाउ इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देखो हम जानते हैं कि कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरी, राइट। तो अगर एक्यूज्ड पर्सन पुलिस के इन्फ्लुएंस से दूर रहता है तो वो जो कन्फेशन है वो अपनी इच्छा से दे सकेगा, उसका उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं होगा, पुलिस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, राइट। अब जैसे हमने देखा था कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, सेक्शन 25, अगर पुलिस ऑफिसर के सामने एक्यूज्ड पर्सन अपने गिल्ट के रिगार्ड में कन्फेशन करता है तो वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, तो इसलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी से दूर रख देगा, पुलिस के रीच से दूर रख देगा 24 घंटे के लिए या उससे ज़्यादा। ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग सच टाइम फॉर रिफ्लेक्शन टू एक्यूज्ड इज टू एंश्योर दैट ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पुलिस इन्फ्लुएंस, वो एक्यूज्ड पर्सन पुलिस इन्फ्लुएंस से दूर है, राइट। अब देखो क्या कहता है, इफ इमीडिएटली बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन रिकॉर्ड करने से ठीक पहले अगर एक्यूज्ड जुडिशियल कस्टडी में था या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रीच से बाहर था कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, देन सच कस्टडी फ्रॉम इट्स नेचर मे इट्सेल्फ बी अ फैक्टर डिस्पेलिंग फियर और इन्फ्लुएंस ऑफ पुलिस फ्रॉम द माइंड ऑफ एक्यूज्ड। तो यानी
एक्यूज्ड के कन्फेशनल स्टेटमेंट देने से ठीक पहले एक्यूज्ड पर्सन जुडिशियल कस्टडी में था या पुलिस ऑफिसर के पहुंच से दूर था कुछ समय के लिए, तो ये अपने आप में इस चीज़ का प्रूफ है कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पुलिस ऑफिसर नहीं था, राइट। ऐसे केस में कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एक्यूज्ड पर्सन को फिर से कुछ समय के लिए वापस से जेल में डाला जाए या जुडिशियल लॉकअप में रखा जाए, राइट। तो एक्यूज्ड पर्सन कन्फेशन देता है तो वो वॉलंटरीली होना चाहिए, राइट, और फ्री होना चाहिए फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस। यही कहता है सेक्शन 28। अब एक केस है आपका अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 28, राइट। तो ये था सेक्शन 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के नोट्स को पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब आने वाले वीडियोस में हम कन्फेशन के दो बचे हुए सेक्शंस को कवर कर लेंगे और उसके बाद हम डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट को, विच इज़ सेक्शन 32, उसे डिटेल में कवर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।